दोस्तों, आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि पिक्सल ऐप से प्रोफेशनल बैनर कैसे बनाए, प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर कैसे बनाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे ढेर सारा बैनर दिख रहा होगा। आपको ये बैनर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप भी बनाने के लिए सीख जाइएगा। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट, ताकि ज्यादा टाइम आपका खराब ना हो। जब ये पिक्सल ऐप खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे आपको डिलीट कर देना है। ऊपर में डिलीट आइकन दिखेगा, यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको थ्री डॉट पे चले जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ से इमेज साइज पे चले जाना है। देन आपको कस्टम के सामने एक एरो दिख रहा होगा, ये एरो पे जाने के बाद यहाँ से यूट्यूब बैनर टैप कर देना है, ठीक है। बाद में आपको कोने पे टच करना है। कोने पे टच करने के बाद यहाँ से कलर पे चले जाना है। तो कलर पे मैं चले जाता हूँ। यहाँ से आपको एक कलर ले लेना है, जो भी कलर लेना चाहते हैं आप ले सकते। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर लेने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये मैं ले लिया। यहाँ पे लेने के बाद सही, अब आपको प्लस वाला आइकन पे चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी पे चले जाना है। यहाँ से आपको टेम्पलेट लेना है, बैनर साइज का टेम्पलेट लेना है, जो कि आपका बैनर इधर उधर ना हो। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ये सब जितना है आपको फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पर मिल जाएगा। जितना भी मैं मटेरियल लगाऊंगा ये पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको टैप करके रखना है ऊपर, और ऐसे ही टैप करके छोड़ देना है। अब यहाँ से आपको रिलेटिव साइज पर चले जाना है। रिलेटिव साइज पर जाना है। रिलेटिव साइज पे जाने के बाद आपको यहाँ से फुल कर लेना है इसको, तो ये पूरा जूम हो जाएगा। उसके बाद में पेंट वाला पे चले जाना है, यहाँ से इसको पेंट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर कर दिए दोनों तरफ ग्रीन कलर का, जो आपको चाहिए ऐसा कर लेना। तो मैं ग्रीन कलर का चाहिए मेरे को, तो मैं ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको प्लस वाला आइकन का बगल में लॉक बटन दिया होगा, यहाँ पे जाके आपको ये साइज टेम्पलेट लॉक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों साइड जो है छोटा छोटा डब्बा, ये आपको पीसी में दिखेगा, बीच वाला जो है वो आपको फोन में दिखेगा। यूट्यूब चैनल के सामने मैं फोन और पीसी दोनों का बताऊंगा। आपको फिर से प्लस वाला आइकन पे टच करना है। वहाँ पे जाने के बाद एक आपको यहाँ से साइज ले लेना है, वो डिजाइन वाला साइज की मैं ले रहा हूँ। ये लेने के बाद आपको अच्छा से बैठा लेना है, तो मैं बैठा रहा हूँ। बाद में आपको टू बैक पे टच करना है, यहाँ पे टू बैक दिया है, इस पे टच करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा बैकग्राउंड का अंदर। उसके बाद में फिर से आपको प्लस वाला आइकन पे जाना है। प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद फ्रॉम गैलरी पे जाना है, यहाँ से और दूसरा साइज ले लेना है, जो भी आप बना के रखे हैं डिजाइन वो ले लेना है। तो ये सब लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं ये सब दे दूंगा। अब इसे भी बैठा लेना है। कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। तो अब आपको चले जाना शेप वाले बटन पे, और यहाँ से एक शेप ले लेना है। शेप लेने के बाद आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से कलर ले सकते हो। तो देख सकते हैं मैं यहाँ से कलर चूज कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको सही कर देना है, और इसे भी अच्छा जगह बैठा लेना है, जहाँ आपका मर्जी हो। तो हम बैठा लिए हैं। बाद में आपको इसे भी बैकग्राउंड का अंदर कर लेना है टू बैक पे जाके। बाद आपको प्लस वाला आइकन पे जाना है, फिर यहाँ से फ्रॉम गैलरी में जाके एक फोटो ले लेना है, जो आपको बैनर पे लगाना है अपना फोटो। उसके बाद में इसे भी लगा देता हूँ। कोई लाइन वाला जो दिया हुआ है डिजाइन, इसको अनलॉक कर लेना है। तो यहाँ प्लस वाला आइकन के बगल में जाकर मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ। उसके बाद में इसको डबल कॉपी करना है। तो यहाँ पे देखिए बगल में कॉपी बटन दिया हुआ है, उस पर टच करेंगे तो ये डबल हो जाएगा कॉपी। बाद में मैं इसे भी ये साइड लगा लेता हूँ। तो देख सकते हैं अभी किस तरह से दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब आपको ए वाला पे जाना है। ए वाला पे जाने के बाद टेक्स्ट पे चले जाना है। यहाँ से एडिट बटन पे टच करेंगे तो टेक्स्ट पे आ जाएंगे। आपको आपका जो भी चैनल का नाम होगा यहाँ पे लिख लेना है, और लिख के लगा देना है। तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से इसे डन कर देना है। इसे भी जहाँ रखना है रख लेना है। उसके बाद में आपको एपी फ़ॉन्ट पे जाना है। फ़ॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट चाहिए आप ले लेना। तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। उसके बाद में आपको साइज वाला पे जाने के बाद यहाँ से साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, इस तरह से आप पकड़ के भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं साइज पे जाके। तो यहाँ पे देखिए मैं करके बैठा रहा हूँ। उसके बाद आपको कलर पे चले जाना है। कलर पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए कलर ले रहा हूँ, तो इस तरह से कॉपी वाला दिख रहा है। उस पर जाने के बाद जितना भी कॉपी पे रहेगा उतना कलर होगा, बाकी नहीं होगा। तो इसी तरह से कलर करना है, आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में सही वाला बटन पे टच कर देना है। देन आपको चले जाना है एम्बुश पे। एम्बुश पे जाने के बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, जितना लाइट चाहिए। यहाँ से लाइट भी होता है, पूरा HD भी होता है। बाद में इसे भी सही कर देना है। अब हमें कुछ नहीं लिखना है, तो अब मैं चले जाता हूँ फ्रॉम गैलरी पे। गैलरी पे जाने के बाद यहाँ से जितना भी लेना है मटेरियल मैं लेके लगा देता हूँ। तो आप देखिए मैं लगा रहा हूँ।
जितना मटेरियल चाहिए था मैं लगा दिया हूँ। अब आपको यहाँ से जितना भी आप ये किए हैं सबको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक डिलीट कर देना है, जो आप टेम्पलेट लिए थे उसे डिलीट करके हटा देना है। तो देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। बाद में आपको प्लस वाला आइकन पर जाना है। प्लस वाला आइकन पर जाने के बाद आपको चले जाना है, यहाँ से एक शेडो लेना है। तो यहाँ पे मैं शेडो ले लेता हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से शेडो है। लेने के बाद आपको सही पे टच करना है। सही पे टच करने के बाद आपको यहाँ से रिलेटिव साइज पे जाके आपको इसे भी फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे फुल कर लेता हूँ। अब इसे सही वाला बटन पे टच कर देना है और यहाँ से इसे सेव कर लेना है। तो सेव कैसे करना है वो ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि सेव अगर नहीं करेंगे सही से तो HD में सेव नहीं होगा। सेव पे टच करना है। सेव पे टच करने के बाद आपको क्वालिटी पे टच करना है। क्वालिटी को अल्ट्रा कर लेना है। उसके बाद में आपको सेव गैलरी लिखा है, सेव टू गैलरी, उस पर चला जाना है, सेव हो जाएगा बस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से कुछ आपको सीख मिला होगा, आपको बैनर बनाने आ गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।